नमस्कार एमपी, अब तक देख रहे हैं आप और बुलेटिन में सबसे पहले खबर इंदौर से है। इंदौर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, झूम के नाचे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी जमकर झूमते नजर आए हैं। एक दिन में दरअसल 11 लाख पेड़ एक साथ लगाए गए हैं इंदौर में। तो देशभक्ति के गाने पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव। तो पूरा प्रदेश बना है इस मौके का गवाह। दरअसल 11 लाख पौधे एक साथ इंदौर में लगाए गए हैं, ये विश्व रिकॉर्ड इंदौर ने कायम किया है। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे। इसके बाद देखिए आप देशभक्ति गानों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव। क्लीन सिटी इंदौर अब ग्रीन सिटी भी बनेगा। इस अभियान में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री ने पितरेश्वर हनुमान धाम में पौधारोपण किया। संतों ने 11,000 पौधे रोपकर अभियान का शुभारंभ किया था और आज सावेर रोड की रेवती पहाड़ी पर 11 लाख पौधे रोपकर अभियान का औपचारिक समापन हो रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब 100 प्रतिनिधि अभियान की निगरानी के लिए पहुंचे। इससे पहले एक दिन में 9.25 लाख पौधे रोपकर असम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। रेवती पहाड़ी पर करीब 90 एकड़ क्षेत्र में पौधारोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में गृह मंत्री ने प्रदेश के 29 सीटें जीतने के लिए एमपी की जनता का आभार भी जताया। भाइयों बहनों, आपका पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मैं बाद चुनाव के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आया हूँ। मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से दो हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूँ। पौधारोपण अभियान पर सीएम यादव ने भी खुशी जताई। बोले, इंदौर जो करता है अलग हटकर करता है, शहर की पूरे देश में पहचान है। सीएम ने कहा कि प्रदेश भर में पौधारोपण का अभियान चल रहा है। इंदौर जो करता है अलग हटके ही करता है, इसी के कारण से इंदौर की अपनी पूरे देश में एक विशेष पहचान है। आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के इस स्थान पर जब पौधारोपण करके हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान गृह मंत्री ने छात्रों को शुभकामनाएं दी, कहा कि नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा मिलेगा। उन्होंने एमपी में नई शिक्षा नीति की शुरुआत पर खुशी भी जाहिर की। आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब हमारा देश हर क्षेत्र के अंदर विश्व भर में सबसे प्रथम हमारा भारत होगा। गृह मंत्री के कार्यक्रम के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मंच पर मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने पीएम मोदी के पत्र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पत्र पढ़कर वो भावुक हो गए। पीएम मोदी ने अपने पत्र में पौधारोपण अभियान पर खुशी जाहिर की थी और अभियान के लिए कैलाश विजयवर्गीय की तारीफ की। आपको प्रधानमंत्री जी का जब पत्र आया, और ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, पत्र पढ़ा मैंने और मेरी आंख में आंसू आ गए। इतना इतना भाव भरा पत्र प्रधानमंत्री जी का था कि मैं बहुत भावुक हो गया। कार में बैठे बैठे उस पत्र को पढ़ते पढ़ते मेरी आंख में आंसू आ गए। ये प्रधानमंत्री जी का स्नेह है, ये प्रधानमंत्री जी का प्यार। पूरा इंदौर शहर प्रधानमंत्री जी के लिए कृतज्ञ है कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया इस ग्रीन सिटी को बनाने के लिए। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अभियान की तारीफ कर रहे हैं। इंदौर अब हरियाली के लिए भी पूरे देश में जाना जाएगा। रितेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। और उधर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज इंदौर में होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ इवेंट करती है। पिछली बार भी 6 करोड़ पौधे लगाए गए थे, लेकिन उसका क्या हुआ? सरकार पेड़ लगाए उसका हम सहयोग करेंगे, लेकिन पेड़ों की सुरक्षा करना भी आवश्यक है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू सरकार ने साढ़े छह बीजेपी का की हिस्ट्री ये कहती है कि उनकी सरकार ने 6.5 करोड़ पौधे लगाए थे खरबों रुपए खर्च करके। जब पता लगा कि रुपए का है पौधे का है दोनों करप्शन की जांच में है, आज विधानसभा की किसी न किसी फाइलों में है वो। जहां तक अब इंदौर का सवाल है, 51.5 लाख पौधे, 51 लाख पौधे लगाना स्वागत योग्य है, पहले उसके लिए नकारात्मकता नहीं, पर सवाल यह है कि इवेंट भी कितना बड़ा है। मैं जागरूक मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रदेश को एक हिसाब ये भी देना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए, बार बार लगाना चाहिए, हम भी सहयोगी हैं, पर उनकी सुरक्षा का अंतिम दायित्व भी होना चाहिए। और खबर बैतूल से, बैतूल में एक पेड़ मां के नाम अभियान का अनूठा आयोजन किया गया। छात्रों ने मानव श्रृंखला से बनाया एक पेड़ मां के नाम। ये मानव श्रृंखला भारत भारती आवासीय विद्यालय के छात्रों ने बनाई। बता दें कि इस स्कूल के छात्र हर राष्ट्रीय पर्व और प्रमुख आयोजनों पर मानव श्रृंखला बनाकर संदेश देते हैं। तो बैतूल से बच्चों की ये अनूठी पहल, एक पेड़ मां के नाम की ये श्रृंखला बच्चों ने बनाई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, वाकई ये बड़ा संदेश है। अब खबर मंदसौर से है, जहां सुवासरा थाना क्षेत्र के धान का खेड़ा गांव के ग्रामीणों और राजस्थान से आए कुछ लोगों के बीच जमकर हंगामा हो गया और फायरिंग भी हुई। दरअसल काली सिंध नदी पर बने स्टॉप डैम को राजस्थान सीमा के मुंडला का डेरा के लोग बड़ी संख्या में आए हुए थे और बुलडोजर से स्टॉप डैम तोड़ने लगे। ग्रामीणों को जब सूचना मिली तो ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और उनको घेर लिया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई और हवाई फायर भी किए गए। हालांकि डेरे के लोग भागने को मजबूर हुए। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राजस्थान सीमा में डेरे में रहने वाले लोग अक्सर मध्य प्रदेश में चोरी लूट की वारदात करते हैं। दोनों प्रदेशों के बीच स्टॉप डैम होने से इधर आ नहीं पाते और इसी कारण कंजर ये बांध तोड़ना चाहते थे। तो मंदसौर से ये तस्वीर सामने आई है, जहां बुलडोजर से स्टॉप डैम तोड़ने का प्रयास किया गया लेकिन समय रहते गांव वाले पहुंचे और इसके बाद वहां पर झड़प भी हुई आपस में। हालांकि इसके बाद उन्हें वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। नरेंद्र धनोतिया हमारे साथ जुड़े हैं मंदसौर से और जानकारी के साथ। नरेंद्र, स्टॉप डैम स्वाभाविक है कि यह पानी का बड़ा सोर्स होगा क्षेत्र के लिए, लेकिन इस डैम को निशाना बनाया जा रहा था। सवाल यह भी है कि अगर ऐसा वाकई में ऐसी संभावनाएं थी तो इसकी सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम नहीं है क्या? ये जो बांध काली सिंध नदी पर बना है, ये सुवासरा नगर की पेयजल का बड़ा स्रोत है और यहाँ पर इस बांध पर जो है इंटरवेल भी बनाया हुआ है और यहीं से सुवासरा नगर की 15,000 आबादी को पानी सप्लाई होता है। और ये बांध जो बना है ये काली सिंध नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बना है और सुवासरा थाना क्षेत्र में कंजर एक बड़ी समस्या है। राजस्थान सीमा से ये मुंडला का जो डेरा है यहाँ से कंजर आते हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में चोरी और लूट की वारदात करके राजस्थान में चले जाते हैं, तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले 2019 में जब बाढ़ आई थी तो इस नदी पर जो एक डैम बना था वो डैम टूट जाने के कारण काली सिंध नदी से ही कंजरों के आने जाने का रास्ता इधर बना हुआ था, जो डैम बनने के कारण उनकी वारदात करने में बाधक बन रहा था और इसी कारण कंजर यहाँ पर बुलडोजर लेके आए और ये बांध तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ग्रामीणों को जब धान का खेड़ा गांव के जो ग्रामीण है उनको सूचना मिली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और इधर से पथराव उन्होंने शुरू किया, जवाब में कंजरों ने हवाई फायर किया, ये घटना हुई और कंजर वहां से चले गए। बिल्कुल, ये वाकई गंभीर मामला है। जो लोग आए थे या फिर जिन्हें कंजर आप बता रहे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ, जो बांध तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, पहचान हुई उनकी? देखिए, ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जो है वो पुलिस को भी दिया है और नगर पालिका सीएमओ सुवासरा को भी दिया है, जिसमें सुवासरा नगर पालिका के सीएमओ ने एक अपनी तरफ से आवेदन थाना प्रभारी सुवासरा को दिया है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताई गई इस वारदात का उल्लेख किया गया है कि वहां पर इस तरह से डैम जो है वो कंजर आकर के तोड़ रहे थे। सुवासरा नगर की पेयजल जो स्रोत है उसका मुख्य स्रोत है,
ये इसमें पुलिस कार्रवाई करे, तो पुलिस फिलहाल कंजरों की पहचान कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों लिहाज से एक्शन जरूरी है। नरेंद्र धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर सतना से है, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां पर एक आदिल नाम के एक शख्स ने आदित्य बनकर शहर के गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और लिव इन में रहने का एफिडेविट बनवाकर उसके साथ रहने लगा। इतना ही नहीं, युवक के माता पिता ने युवती के माता पिता को धर्म परिवर्तन के लिए धमकी भी दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब इस बात का पता लगा तो यह मामला थाने तक पहुंच गया, जिसके बाद युवक और उसके माता पिता के पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो ये बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है सतना से, लव जिहाद का ये मामला है। लड़की के परिजनों ने ये कहा कि जो लड़का जिस लड़के के साथ लड़की गई उसके परिजन उनको धमका रहे हैं कि धर्म विशेष को अपना लें और तब हम लड़की शादी करेंगे। इस बात पे से धमकाने चमकाने पे से मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर और जानकारी के साथ सतना से। शिवेंद्र, वाकई गंभीर मामला है, क्या एक्शन इस पर पुलिस ले रही, विशेष कानून भी है ऐसे मामलों के लिए? नाम बदलकर अपनी पहचान छुपाकर ये धोखा भी दिया जा रहा था शिवेंद्र? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो छात्रा है ये बीकॉम की छात्रा है, 19 वर्षीय छात्रा है, जिसको आदित्य नामक व्यक्ति ने आदित्य यादव बन के प्रेम जाल में फंसाया और उसे सफर पथ बना के रिलेशनशिप में रहने लगे थे। लेकिन बात जब बिगड़ गई, जब आदिल ने शादी से इनकार कर दिया और लड़की के माता पिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा, तब मामला बजरंग दल हिंदू संगठनों के पास पहुंचा और ऐसे में सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आदिल आदित्य को गिरफ्तार कर लिया है और उसके माता पिता फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया शिवेंद्र आपका जानकारी के लिए। लेकिन लोगों को भी सजग रहना होगा कि अगर आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, तो उसकी असल पहचान दरअसल है क्या। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां के जय आरोग्य अस्पताल में हंगामा हो गया। दरअसल एक मरीज की मौत होने के बाद अस्पताल में अटेंडर और डॉक्टर के बीच जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि डॉक्टर ने अटेंडरों के साथ मारपीट की। पुलिस इस मामले में दोनों पक्षों की जांच कर रही है। बॉडी नहीं दी और लिफ्ट 1 घंटे को बंद करके रख दिया, पर हमको अंदर बंद कमरे में बैठ के पीटा है सर। डॉक्टर का नाम नहीं जानता, हमसे 20 डॉक्टर थे, उसमें पूरे डॉक्टर थे सारे, मतलब कुल मिला भी तो ये है, बंद करके रूम में पीटा है। बंद करके मारा। अभी तो ये भी नहीं जानते कि डॉक्टर है कि कौन है, तो उसकी जानकारी ली जाएगी। और वो डॉक्टर दूसरा पक्ष भी ये कह रहा है कि इन लोगों ने गलत किया है, इनके साथ विवाद और अभद्रता की है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। पीएम वगैरह लेकर अभी पीएम के लिए तो डेड बॉडी भिजवा दी है। कुछ परिजन है जो दुखी होकर आक्रोशित हो रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। और बड़ी खबर सिंगरौली से है, जहां एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप बीजेपी नेता पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया है। पुलिस ने बताया कि लाले मसूर बाइक से ससुराल जाने के लिए निकला था, तभी रास्ते में बकरे से टक्कर हो गई और गाड़ी नहीं रोकी तो अभिषेक पांडे नामक बीजेपी नेता ने जंगल के पास युवक के पेट में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची चितरंगी थाना पुलिस ने पंचनामा तैयार कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बताया जा रहा है। देखते ही जो है कार्ट्रिज पहले ढूंढा गया, फिर उसके बाद समझ में आया 0.32 mm या 0.33 mm की होगी गोली। तत्काल जो है वहाँ के राहगीरों ने बताया कि पीछे से एक चारपहिया वाहन भी गुजरा है और ये शायद उसको चेज कर रहे थे चारपहिया वाहन, तो तुरंत अपनी 3 टीम एक्टिवेट किए। SDOP के अंडर में SDOP पीछे पीछे चेज कर रहा था आरोपी को, और पिस्टल की जो गन शॉट लगी है, तो पिस्टल का लाइसेंस कितने लोगों के पास है चितरंगी और गढ़वा के पास, उनकी लिस्ट निकाली गई। और चारपहिया जो XUV 300 थी उसके मालिक RTO की वेबसाइट से क्लियर हो गया, तो मुश्किल से 6-7 घंटे में अपने को नाम क्लियर हो गया और फिर हम लोग बस आरोपी को राउंड अप करने में लग गए। रात के 2:30 बजे हमने उसको अरेस्ट कर लिया।
खबर सीधी से है, जहां ठेकेदार ने मनमाने तरीके से सरकारी भवन पर बुलडोजर चलवा दिया। 33 लाख की लागत से बने सांस्कृतिक भवन सहित 3 अतिरिक्त कक्षों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। बताया जा रहा है कि भवन डिसमेंटल या जर्जर नहीं था, इसके बावजूद बुलडोजर चलाया गया। अचानक हुई इस बुलडोजर की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश है। बताया जा रहा है कि सीएम राइज विद्यालय बनाने के लिए भवन बना था। आदिवासी अंचल कुसमी इलाके में इकलौती बड़ी बिल्डिंग थी ये, जिसमें प्रशासनिक मीटिंग भी होती थी, और इस भवन का निर्माण साल 2001-2002 में हुआ था। सही हालत में है, जो डिसमेंटल लायक नहीं है, जो कुछ 1998-99 में बनी है, कुछ 2000 की बिल्डिंग में, 2001-2002 में बिल्डिंग बनी है, कुछ 2008-09 में बनी है, और वो बिल्डिंग सब पूरी सही हालत में है और सब में उपयोग होता था। एक सांस्कृतिक भवन था जो 33 लाख का बना हुआ था, उसको अभी मशीन तोड़ रही थी, टूटता नहीं था, इतनी मजबूत बिल्डिंग थी। तो इतनी मजबूत बिल्डिंग कम से कम नहीं तो शासन के लगभग 30-40 करोड़ रुपए का नुकसान करके यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जा रहा है। और खरगोन पुलिस ने महाराष्ट्र के सुनार की हत्या केस, सनसनीखेज कत्ल का 24 घंटे में खुलासा कर दिया। रिपोर्ट करने वाला फरियादी ड्राइवर ही हत्या का मुख्य मास्टरमाइंड निकला। बल्कवाड़ा पुलिस ने ड्राइवर अकील सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी धनराज मीना ने बताया कि फरियादी पुलिस को गुमराह करता रहा। उन्होंने बताया कि मृतक उमेश के अपने ड्राइवर अकील से उधार के रुपए वापस मांगने और धमकी देने पर ड्राइवर ने अपने 2 साथी अंसार और अहमद के साथ मिलकर हत्या की वारदात अंजाम दी। उसके बाद अकील ने अज्ञात कार सवार 4 बदमाशों पर हत्या का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई। और खबर मंडला से, मंडला नेशनल हाईवे 30 का पुल टूट गया। जबलपुर से रायपुर को जोड़ता है ये पुल, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह पुल बना हुआ है और आवागमन का महत्वपूर्ण साधन भी है। पुल के दोनों ओर अब वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। रोड मेंटेनेंस और टोल प्लाजा कर्मचारी वहां पहुंचे हुए हैं, वैकल्पिक मार्ग बनाने के प्रबंध हो रहे हैं। तो मंडला से ये खबर है, जहां नेशनल हाईवे 30 का पुल टूट गया है और इसके चलते वहां से आवागमन रोक दिया गया है। जबलपुर से रायपुर को जोड़ता है ये पुल, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। और न्यूज 18 संवाददाता कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, आप स्वाभाविक है कि तस्वीरें देखकर अब इससे आवागमन तो रोक ही दिया गया है, लेकिन वैकल्पिक कोई व्यवस्था हो पाई क्या या फिर कोशिशें जारी हैं? जी बिल्कुल प्रशांत, बताना चाहूंगा कि ये जो जबलपुर से रायपुर को जोड़ने वाला जो मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा के करीब के ग्राम मंगली के पास में या जो पंडरी रोड है वहां पर यह पुल है जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद जो बड़े और छोटे वाहन है उनको रोक दिया गया है। इसके साथ ही अब यहां पर MPRTC की टीम, राष्ट्रीय राजमार्ग की टीम और टोल प्लाजा कर्मचारी मौके पर है, साथ ही स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। और अब 2 दिनों के लिए जो अपडेट है कि 2 दिनों के लिए यहाँ पर वाहनों को रोका गया है इस मार्ग से, और एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने की तैयारी की जा रही है। प्रशांत, चलिए शुक्रिया आपका कृष्णा जानकारी के लिए। तो NH पर ऐसे बहुत सारे पुल बने हुए हैं, लेकिन ये पुल कब बना था ये अपने आप में सवाल है। लंबे इंतजार के बाद आगर मालवा जिला मुख्यालय पर हुई झमाझम तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। मुख्य सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से राहगीरों को आवाजाही में खासी परेशानी हुई। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे, क्षेत्र में फसलों के लिए बारिश की बेहद जरूरत महसूस की जा रही थी। हालांकि जिले के अन्य क्षेत्रों में अभी भी लोग अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। वहीं खंडवा में भी ग्रामीण क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। तेज बारिश से पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा। उड़ी में लोगों की दुकानों में पानी भर गया और खेड़ा का संपर्क भी टूट गया। इधर लंबे इंतजार के बाद आगर मालवा जिला मुख्यालय पर हुई झमाझम तेज बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मुख्य सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने से राहगीरों को आवाजाही में खासी परेशानी हुई।
बात करेंगे उज्जैन की, जहां आसपास के इलाकों में हो रही बारिश के चलते शिप्रा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से शिप्रा पर बना छोटा पुल डूब गया है, आसपास के मंदिर और घाट भी डूब गए। इस दौरान एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल कुछ श्रद्धालु घाट पर अपनी कार खड़ी कर दर्शन करने चले गए, इस दौरान अचानक पानी बढ़ जाने से खड़ी कार बह गई। हालांकि इस दौरान वहां लोगों ने कार को रस्सी के सहारे बाहर निकाला।